तुम्हारे पति कहाँ है? उल्टी जर्नी में खत्म हो गई। कितना दिन का बात है? एक हफ्ता। कमाने वाले अब आपके घर में आपके पिताजी के बाद कौन है? जगह जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय बनाए गए, लेकिन परिणाम क्या? 18 मौतें महज एक महीने में। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकास खंड नर्मदापुर मैनपाट अंतर्गत ग्राम पंचायत असगवां का है, जहां एक गांव में 4 जाने अब तक हैजा की वजह से जा चुकी हैं। जो परिवार के लोग मरे हैं, उन परिवार वालों की क्या स्थिति? अरे दयनीय है सर, क्योंकि जो ये पालने वाला था वही मर गया, सिर्फ उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे। सरकार की तरफ से कोई मदद मिला है अभी तक? 2000 तत्काल के लिए दिया था पंचायत तरफ से क्रियाक्रम करने के लिए। कलेक्टर साहब एक घर में आए थे यहीं पर जी। तो आश्वासन दिए कि 20,000 मिल जाएगा। मिल गया? नहीं मिला हुआ अभी जी। ये खातिर जो आवश्यकता का सामान है, चावल दाल, ये कैसे पूर्ति होती? घर में नहीं बना, अभी वही जग जाता खाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो देसी शराब बोलते हैं, जिसको हड़िया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, चावल को सड़ा के बनाते हैं लोग, जिसके कारण पानी गिरता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा है यहाँ पानी की बहुत बड़ा समस्या है। हैंडपम्प से भी पीते हैं, वो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड रहता है। और साथ ही साथ यहाँ के अधिकांश गाँव जैसे सिंदूर घर लोग घोड़ी के भी पीते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डायरिया के रोकथाम के लिए पूरा कैंप लगा है 28 तारीख से आज तक हम लोग 24 घंटे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि सरगुजा कलेक्टर भीम सिंह, जिनका मोबाइल नंबर 9424244625 है, इनको कॉल करें और उनको उनका घोषणा जो 20,000 रुपये मृतक परिवारों को देने की बात कही थी याद दिलाएं। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ट के लिए।